वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। So far as we have discussed, that standard cost is a predetermined cost that is estimated on certain parameters, on certain basis, before taking place of actual production and incurring actual cost. कि standard cost जो है actual cost नहीं है, it is an estimated cost, और इसको assume करते हो, estimate करते हो कुछ parameters के basis पर और कुछ certain दूसरे बेसिस पर। देन आफ्टर वंस एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्स, वॉट एवर द एक्चुअल कॉस्ट मे बी, देन आफ्टर यू कैन कंपेयर द स्टैंडर्ड कॉस्ट विद एक्चुअल कॉस्ट एंड दैट इज द वे टू फाइंड द वेरियंस एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। कि पहले हमने एक कॉस्ट को एस्टिमेट किया, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ, उस पर जो भी कॉस्ट हुई, जो भी कॉस्ट आई, वो एक्चुअल कॉस्ट हो गई। और फिर एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर किया, तो दोनों का जो डिफरेंस आया, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं वेरियंस। So variance is nothing but it is a difference between the actual cost and the standard cost. And variance may be positive and negative, or you can say variance may be adverse and favorable. कि जो difference है standard cost and actual cost का, वो किस case में जो है, under which circumstances it will be positive or negative. अगर standard cost आपकी actual cost से ज़्यादा है तो जो वेरियंस आएगा, इफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्चुअल कॉस्ट, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा पॉजिटिव वेरियंस होगा, एंड वाइस वर्सा। और अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव वेरियंस होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिस्कस किया था। वी हैव डिस्कस्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये दो चीजें हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या बताया था? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द एंटायर प्रोसेस इन विच द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज एसर्टेन। कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिसमें अलग अलग मेजर्स को कंसीडर करके, अलग अलग फैक्टर्स को कंसीडर करके आप किसी भी कॉस्ट को स्टैंडर्डाइज करते हो। एंड नॉट ओनली द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कॉस्ट, उसको आप जो है एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर भी करते हो और वेरियंस का एनालिसिस और मेजरमेंट भी करते हो, कि वेरियंस हमारा जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है, इफ देयर इज एन एडवर्स वेरियंस, देन व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड that adverse or unfavorable variance। कि अगर negative variance आ गया है तो वो क्या क्या reasons हैं उसके पीछे, उसका analysis करना, उनको जो है short them out, उनको दूर करना, in order to enhance the maximum efficiency in the production process। कि production process में जो है maximum efficiency आए for the purpose of improving the profitability of the concern, जिससे कि concern की profitability को improve किया जा सके। तो ये दोनों चीज़ें तो हम discuss कर चुके। तो standard costing को we were discussing standard costing, now today we will discuss the process of standard costing। कि standard costing का पूरा process क्या है, कैसे, और उस process में कौन कौन से factors को आप ध्यान में रखते हो, कौन कौन से steps को आप follow करते हो। तो अंडर स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यू हैव टू चेक द स्टेप्स दैट हैज टू बी फॉलोड व्हाइल डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस। तो अगर हम देखें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस, स्टैंडर्ड
कॉस्टिंग प्रोसेस। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इसका फर्स्ट स्टेप होगा स्टेप वन, डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट। की सबसे पहले तो आप कॉस्ट को, स्टैंडर्ड कॉस्ट को आप डिटरमाइन करोगे। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होगा? कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। सेकंड स्टेप में जो भी एक्चुअल कॉस्ट हुई है उसको कंप्यूट करोगे। एंड देन आफ्टर स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या होगा? कंपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट विथ एक्चुअल कॉस्ट। दिस इज द थर्ड स्टेप। एंड नाउ फोर्थ स्टेप, कैलकुलेटिंग एंड मेजरिंग द वेरियंसेस। कैलकुलेटिंग एंड मेजरिंग द वेरियंसेस। सो दीज आर द फोर स्टेप्स, दीज आर द फोर स्टेप्स दैट हैव टू बी फॉलोड वाइल डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस। कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस में आपको इन चार स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट। सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन करना है कि किसकी की प्रोडक्शन की, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि उसकी कॉस्ट क्या होगी। यानी बिफोर टेकिंग प्लेस द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यू हैव टू एज्यूम द कॉस्ट दैट व्हाट वुड बी द कॉस्ट इफ दिस नंबर ऑफ यूनिट विल बी प्रोड्यूस्ड। कि अगर ये यूनिट प्रोड्यूस किए जाएंगे, इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस किया जाएगा, इतना वॉल्यूम प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस होगा, तो कॉस्ट क्या होगी। तो अंडर फर्स्ट स्टेप आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमिन करना है। यू हैव टू एज्यूम द स्टैंडर्ड कॉस्ट, यू हैव टू एज्यूम द एस्टिमेटेड कॉस्ट। आपको जो कॉस्ट का एस्टिमेशन करना होगा, सबसे पहला स्टेप है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस का। सेकेंड स्टेप, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अब कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट में क्या आएगा? कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में तो हमने कॉस्ट को एज्यूम किया था, दैट वाज नॉट द एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नॉट द एक्चुअल कॉस्ट, इट इज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ओनली। यू हैव एज्यूम द कॉस्ट। बट इन सेकेंड स्टेप यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट दैट वॉट एवर द एक्चुअल कॉस्ट हैव टेकिंग प्लेस फॉर प्रोड्यूसिंग दैट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। कि इस इतने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आई है, उसको आपको सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट करना है। तो अंडर सेकेंड स्टेप यू हैव टू गो थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, दैट एक्चुअल कॉस्ट विच हैज़ बीन इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट और सम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो आपने फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमिन कर लिया, सेकेंड स्टेप में आपने एक्चुअल कॉस्ट को जो है कैलकुलेट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं स्टेप थर्ड, कंपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट विद एक्चुअल कॉस्ट। यानी कि इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस। कंपेयर का मतलब क्या है? आपको डिफरेंसेस निकालने हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। कि एक्चुअल कॉस्ट इक्वल तो होते नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्ट, देयर विल बी सम ऑफ द डिफरेंसेस, इधर स्टैंडर्ड कॉस्ट विल बी ग्रेटर
और एक्चुअल कॉस्ट विल बी ग्रेटर, या तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा होगी या एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक, तो थर्ड स्टेप में आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है। फिर स्टेप फोर्थ एंड लास्ट, कैलकुलेटिंग एंड मेजरिंग द वेरियंस। जो डिफरेंस होगा किसके बीच में, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में, वो डिफरेंस ही वेरियंस होगा। सो वेरियंस, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरियंस एंड व्हाट इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेरियंस इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देन यू हैव टू आंसर द वेरियंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। वेरियंस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्चुअल कॉस्ट, देन द वेरियंस विल बी पॉजिटिव, एंड इफ द एक्चुअल कॉस्ट इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, देन वेरियंस विल बी नेगेटिव। कि अगर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से, तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा उसको आप पॉजिटिव वेरियंस कहोगे, और अगर एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है स्टैंडर्ड कॉस्ट से और फिर दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको आप कहोगे नेगेटिव वेरियंस। राइट, तो ये हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस। आई होप कि इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट आपका आएगा वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि जो पूरा स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो सिस्टम है उसको कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, हाउ टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो इस पूरे सिस्टम में आपको फोर स्टेप्स को ध्यान रखना है। यू हैव टू कंसीडर द फोर स्टेप्स, फोर फैक्टर्स व्हाइल एस्टैब्लिशिंग एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक इफेक्टिव और एफिशिएंट सिस्टम को डेवलप करना और उसको एस्टैब्लिश करने के लिए यू हैव टू कंसीडर, यू फोर स्टेप्स हैव टू बी टेकन फॉर द कंसीडरेशन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब वो चार स्टेप्स क्या हैं, फोर स्टेप्स क्या हैं, उसको समझिए। सबसे पहला स्टेप है या सबसे पहला फैक्टर है सेटिंग अप द कॉस्ट सेंटर्स। पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, राइट। थर्ड आपका आता है डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। Determining the types of standard और last step आता है आपका setting the और fixing the standards। These are the four factors, those have to be taken into consideration when you are establishing a स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। सबसे पहले सेटिंग अप द कॉस्ट सेंटर, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ द स्टैंडर्ड एंड सेटिंग और फिक्सिंग द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्या है आपका सेटिंग अप द कॉस्ट सेंटर। सेटिंग अप द कॉस्ट सेंटर में क्या है, कॉस्ट सेंटर क्या होता समझिए। अब मैं इन तीन को साफ कर देता हूँ क्योंकि एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। सो वी विल एक्सप्लेन, फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन सेटिंग अप द कॉस्ट सेंटर, कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। सो मैं इनको जो है साफ कर देता हूँ।
what do you mean by cost center? Cost center का मतलब क्या है? इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है ICMA लंदन ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तो अकॉर्डिंग टू ICMA लंदन, ये की एक प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे हमारे यहाँ ICAI है, ICSI है, उसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ICMA. तो ICMA लंदन कहता है कि कॉस्ट सेंटर मे बी अ डिपार्टमेंट, एन इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एन इक्विपमेंट, और एनीथिंग एल्स टू विच द कॉस्ट इज गोइंग टू बी एसर्टेन. कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी एक डिपार्टमेंट, कोई भी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, एक इक्विपमेंट मशीन, वो उसको कॉस्ट सेंटर माना जाएगा जिसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, कॉस्ट को एसर्टेन कर रहे हो. सपोज अगर आप एक एम्प्लॉय की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो, एसर्टेन कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आप क्या सैलरी दे रहे हो, क्या उसके ऊपर और दूसरे एक्सपेंस हो रहे हैं, तो उस केस में कॉस्ट सेंटर वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय होगा. अगर आप किसी मशीन की रिपेयर करा रहे हो या मशीन को रिप्लेस कर रहे हो, तो उस मशीन को रिप्लेस करने में या उसको रिपेयर करने में कॉस्ट क्या आ रही है, तो उस केस में वो पर्टिकुलर मशीन कॉस्ट सेंटर होगी. अगर आप किसी पूरे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, सपोज एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आप देख रहे हो कि हम पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना सैलरी देते हो और दूसरे क्या एक्सपेंस करते हो, तो उस केस में जो है पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर होगा. तो कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर मे बी एन इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एन इक्विपमेंट, मशीन और डिपार्टमेंट टू विच द कॉस्ट इज गोइंग टू बी एसर्टेन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है किसके लिए आप कॉस्ट एसर्टेन कर रहे हो, क्या वो मशीन है, क्या वो इंडिविजुअल है, क्या वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, क्या वो डिपार्टमेंट है, तो जिसके लिए भी आप कॉस्ट एसर्टेन करोगे वो जो है उस पॉइंट ऑफ टाइम का, उस पीरियड के लिए जो है कॉस्ट सेंटर माना जाएगा. तो ये तो हुई कॉस्ट सेंटर की बात. ठीक, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. What was second point? Second point was classification of accounts. यहाँ accounts का मतलब financial accounting की तरह real account, personal account या normal accounts नहीं है. यहाँ accounts से मतलब है items, activities और टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर है, ओवरहेड्स हैं, इस तरीके की जो एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शंस होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, या यू कैन से द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. वी आर डिस्कसिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो जो कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको आप कुछ ना कुछ कोड प्रोवाइड करते हो. क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में यू क्लासिफाई द डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शंस ऑन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस, आर डिवाइडेड इनटू सम कैटेगरीज और दे आर प्रोवाइडेड सम कोड नंबर्स टू आइडेंटिफाई इजिली एंड कन्वीनियंटली. कि उनको कि भाई इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो किस रैक में या ड्रॉअर में होगा, तो उस पर मान लीजिए लिख दिया कि ड्रॉअर 22 से लेके ड्रॉअर 30 तक जो है उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल मिलेगा. तो आपको ढूंढना नहीं है, आपको आइडेंटिफाई नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है. आप जाओगे ड्रॉअर 22 से लेके ड्रॉअर 30 में जो है आप देख लोगे, उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल मिल जाएगा. डायरेक्ट मटेरियल को मान लीजिए क्लासीफाई कर दिया कि ड्रॉअर इस नंबर से लेके इस नंबर के बीच में, आपको डायरेक्ट मटेरियल मिलेगा.
तो उस ड्रॉअर में जाओगे डायरेक्ट मटेरियल मिल जाएगा। तो इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम कंजम्पशन टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इज डन। अब इसमें कोड नंबर कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को, जैसे कि अगर हम देखें क्या क्या कोड नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे अगर इसको ले लें ए कोड नंबर 002 कोड नंबर 21 किसके लिए है, फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। कि जो कोड नंबर 00 से लेकर 21 तक है वो किसे प्रोवाइड किया जाता है, जो डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। तो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू डायरेक्ट मटेरियल आर गिवन द कोड नंबर इन बिटवीन 00 to 21। 00 से लेकर 21 के बीच में कोडिंग किसकी है, अलग अलग जो भी ट्रांजैक्शंस हैं डायरेक्ट मटेरियल की उनको। वैसे ही नेक्स्ट आपका कोडिंग क्या है, कोड नंबर 22 से लेके कोड नंबर 30 फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर। कि कोड नंबर 22 से लेके कोड नंबर 30 वो किसे दिया जाता है, डायरेक्ट लेबर के अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं एलिमेंट्स हैं उनको। वैसे ही कोड नंबर 31 टू कोड नंबर 39 फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। कि कोड नंबर 31 से लेकर 39 किसे दिया जाता है, इनडायरेक्ट लेबर को। नेक्स्ट है आपका कोड नंबर 40 to 45 फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। फोर्टी से लेके 45 किसे दिया जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल के अलग अलग एलिमेंट्स को। एंड कोड नंबर 46 to 70 फॉर ओवरहेड्स एंड सो ऑन। कि 46 से लेके 70 जो है वो ओवरहेड्स के लिए, और इसी तरीके से कुछ और क्लासिफिकेशन भी है। तो क्लासिफिकेशन में जो है आप जो भी नेचर है कॉस्ट का, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट मटेरियल हो या ओवरहेड्स है, उनको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, और उन ग्रुप्स को कुछ आप कोडिंग या नंबरिंग प्रोवाइड करते हैं जिनको कोड नंबर हम बोलते हैं। दीज आर नोन एज द कोड नंबर्स। सो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, के स्टैंडर्ड कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें ए आपका आता है करंट स्टैंडर्ड्स,
बी आपका है बेसिक स्टैंडर्ड, एंड सी आपका थर्ड है आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड, और फोर्थ आपका आता है हिस्टोरिक स्टैंडर्ड्स। ठीक, करंट स्टैंडर्ड को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला है आपका आइडियल स्टैंडर्ड, और दूसरा आपका आता है एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। राइट, अब देखिए जो करंट स्टैंडर्ड्स हैं, करंट स्टैंडर्ड्स आर दोज स्टैंडर्ड्स विच आर फिक्स्ड एंड विच आर स्टैंडर्डाइज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। करंट स्टैंडर्ड क्या है? करंट स्टैंडर्ड्स आर दोज स्टैंडर्ड्स विच आर फिक्स्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और लेस देन वन ईयर। कि करंट स्टैंडर्ड्स जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स किए जाते हैं। उसमें भी दो होते हैं, आइडियल स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स। और करंट स्टैंडर्ड्स में अंडर करंट स्टैंडर्ड्स इफ एनी चेंज ड्यूरिंग दैट पीरियड टू विच द स्टैंडर्ड इज सेट और फिक्स्ड द चेंजेस कैन बी पॉसिबल। कि अगर आपने एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दिया अंडर करंट स्टैंडर्ड और उस टाइम पीरियड में कोई चेंज होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स, तो उस चेंज को भी आप ऑल्टर कर सकते हो, उस चेंज को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक, बेसिक और नॉर्मल स्टैंडर्ड्स जो हैं दीज आर द स्टैंडर्ड्स विच आर फिक्स्ड एंड विच आर सेट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन से 3 or 4 or 5 years। कि जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको 3 to 5 years तक के लिए फिक्स किया जाता है, एंड द चेंजेस ड्यूरिंग दैट पीरियड कैन नॉट बी मेड इन इन केस ऑफ बेसिक स्टैंडर्ड्स और नॉर्मल स्टैंडर्ड्स। हिस्टोरिक स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स विच आर सेट और फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम पास्ट डेटा। नाउ कमिंग बैक टू करंट स्टैंडर्ड्स, करंट स्टैंडर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू आइडियल स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स। आइडियल स्टैंडर्ड्स इज नॉट रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, दीज आर नॉट प्रैक्टिस्ड, बिकॉज आइडियल स्टैंडर्ड्स एज्यूम द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द बिजनेस। आइडियल स्टैंडर्ड्स जो है बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस को एज्यूम करता है, जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस मार्केट में लो होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के रेट कम होंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई वेस्टेज नहीं होगा, कोई मशीन्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा, मशीन्स का डेप्रिसिएशन नॉमिनल होगा, बहुत कम होगा, मार्केट में डिमांड आइडियल होगी, और एक अच्छे रेट पर, एक हायर प्राइस पर जो है मार्केट सेल हो जाएगा, ना प्रोडक्शन जो है, प्रोड्यूस जो है वो सेल हो जाएगा। दीज आर द मोस्ट फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस दैट आर एज्यूम्ड वाइल फिक्सिंग द आइडियल स्टैंडर्ड्स। दैट्स वाई आइडियल स्टैंडर्ड्स आर नॉट एक्सरसाइज्ड इन प्रैक्टिस। राइट, फिर आते हैं एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स जो है वो बेसिक स्टैंडर्ड्स जैसे ही होते हैं, जिनको हम प्रैक्टिस में जो है लाते हैं। कि एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड, रियलिटी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, रियलिटी ऑफ द मार्केट। राइट, सो आइडियल स्टैंडर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिस, बट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड इन प्रैक्टिस। सो दीज आर द थर्ड पॉइंट दैट इज डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या था? सेटिंग और फिक्सिंग द स्टैंडर्ड्स।
स्टैंडर्ड कौन फिक्स करता है? मैं लिख देता हूं, स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड बाय और सेट बाय स्टैंडर्ड कमेटी। स्टैंडर्ड को कौन फिक्स करता है? स्टैंडर्ड्स को फिक्स करती है स्टैंडर्ड कमेटी। और स्टैंडर्ड कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं, यानी कि किन लोगों को मिला के वो कमेटी बनती है? तो आप लिख सकते हो, इट कंसिस्ट द फॉलोइंग मेंबर्स। और यू कैन सी, इट कंसिस्ट द फॉलोइंग मेंबर्स। कौन कौन से मेंबर होंगे? पहला आपका होगा प्रोडक्शन मैनेजर, सेकंड आपके होंगे परचेज ऑफिसर, थर्ड आपके होंगे चीफ इंजीनियर, फोर्थ आपके होंगे सेल्स मैनेजर, फिफ्थ आपके होंगे चीफ कॉस्ट अकाउंटेंट, और लास्ट आपका होगा अदर डिपार्टमेंटल हेड्स एज इट्स मेंबर्स। तो इनको मिला के एक स्ट्रक्चर या बॉडी तैयार।